जब आपके एंड्रॉइड फोन का टच इस तरह से अपने आप ही काम करने लगता है तो इसे गोस्ट टच इश्यू कहते हैं। अगर आप भी एंड्रॉइड में गोस्ट टच इश्यू फेस कर रहे हो तो इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। स्टेप वन, रीस्टार्ट योर फोन। फर्स्ट स्टेप है अपने फोन को रीस्टार्ट करके देखें। गोस्ट टच इश्यू इसे ठीक करने के लिए आप एक बार अपना फोन रीस्टार्ट करके भी देख सकते हैं। स्टेप टू, रिप्लेस योर फोन चार्जर। ये इश्यू लो क्वालिटी चार्जर और केबल यूज करने के कारण भी हो सकता है, इसलिए एक बार फोन का चार्जर चेंज करके जरूर देखें। स्टेप थ्री, चेक फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अगर सॉफ्टवेयर या किसी बग के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है तो फोन की सेटिंग्स में जाए, इसके बाद सिस्टम एंड अपडेट्स या जहां भी आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन हो उसमें चले जाएं। अपडेट्स के लिए चेक करें और अगर कोई अपडेट अवेलेबल है तो सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर कर लें। स्टेप फोर, टच स्क्रीन रिपेयर ऐप। प्ले स्टोर से आपको टच स्क्रीन रिपेयर ऐप डाउनलोड करना है और ओपन कर लेना है। ओके करना है, स्टार्ट पर टैप करना है और फिर से ओके करना है और टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा वेट करना है और जो भी ब्लॉक ग्रीन कलर का हो उस पर टैप करना है और ये टेस्ट आपको थोड़ी देर कंटिन्यू करना है। जैसे ही कोई ब्लॉक ग्रीन कलर में दिखे और उस पर टैप लिखा हो तो उस पर टैप करना है। 3 सैंपल्स के बाद टेस्ट पूरा हो जाएगा और फिर ये ऐप एनालाइज करेगा और रेस्पॉन्स टाइम को चेक करके उसे एडजस्ट करके ठीक भी कर देगा। आखिर में आपको जो रिपोर्ट मिलेगी उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जरूर करना है, जैसे कि इसके बाद आपका फोन रीस्टार्ट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपके फोन का इशू ठीक हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो उसे कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।